आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। यह गर्लफ्रेंड दिल नहीं बाइक लूटती है, रहे सावधान। दूसरी खबर, पूरे झारखंड में चल रहा घर घर रघुवर अभियान, सरू राय चला रहे हैं घर घर कमल। तीसरी खबर, झामुमो नेता गहन टुड्डू की हत्या से उबला कोलफील्ड, सीसीएल के 3 खदानों में कोयला उत्पादन ठप, जेजेएमपी ने ली जिम्मेदारी। चौथी खबर, झारखंड में कुपोषण दूर करने का बीड़ा उठाया आधी आबादी ने। पांचवी खबर, विधानसभा चुनाव 2019 हम हैं रेस में, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राजधानी रांची के काके रोड निवासी 21 वर्षीय सोनू पिछले कुछ दिनों से काफी खुश था, पर उसकी खुशी काफुर हो गई है। दरअसल वह खुश था अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर, जिससे उसकी दोस्ती चंद दिनों पहले ही हुई थी, पर वह लड़की उसके गम का कारण बनेगी उसने सोचा भी ना था। पिछले सप्ताह वह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई बाइक से डेट करने गया था। राजधानी से थोड़ी दूर निकलते ही एक सुनसान जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक ही बाइक रुकवा दी। तभी अचानक कुछ लड़के वहां पहुंच गए और कहने लगे कि लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हो। उसने उन्हें समझाने की कोशिश ही की थी कि उसके होश यह देखकर उड़ गए कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उन लड़कों का ही साथ देने लगी। लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बाइक लूट ली। लड़की भी उन्हीं के साथ चली गई। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह लूट चुका है। जी हाँ, राजधानी में यह एक नया गैंग सक्रिय हुआ है। इस गैंग का वह पहला शिकार नहीं है। इस गैंग को चलाने वाला गैंगस्टर है रातू रोड का धीरज जलान। इस गैंग में मैकी रोड की एक लड़की भी शामिल है, जिसे उसके दोस्त हसीना बुलाते हैं। पुलिस इस गैंग की सरगर्मी से तलाश कर रही है। धीरज जलान पहले भी बाइक लूट के कई मामले में जेल जा चुका है। पुलिस बार बार युवाओं से आग्रह कर रही है कि वे सावधानी बरतें, किसी लड़की के झांसे में ना आए। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर घर घर कमल अभियान पर विवाद हो गया है। एक ओर जहां भाजपा पूरे प्रदेश में घर घर रघुवर अभियान चला रही है, वहीं मंत्री सरयू राय अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर कमल अभियान चला रहे हैं। इसे प्रदेश भाजपा ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा है कि घर घर रघुवर पार्टी का तय कार्यक्रम है, इसको सभी को चलाना है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। पार्टी के इस अभियान का खिलाफत करना ठीक नहीं है। पार्टी के किसी भी नेता को यदि कोई अभियान चलाना है तो उन्हें पार्टी को सुझाव देना चाहिए। पार्टी को उचित लगेगा तो उस पर फैसला लेगी। गिलुवा ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से घर घर रघुवर अभियान चलाने पर सहमति दी गई है, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपनी सहमति दी है। जब पार्टी में इस अभियान का फैसला हो गया है तो इसमें बदलाव करने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी के तय अभियान को मानना हर पार्टी कार्यकर्ता का दायित्व है। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में अभियान का विवाद चल रहा है, इस पर जिला अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगेंगे। इधर मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मुख्य विधायक प्रतिनिधि चितरंजन वर्मा से लेकर सभी मंडल स्तर पर विधायक प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य प्रतिनिधियों को पद मुक्त कर दिया है। इससे पार्टी में नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। चितरंजन वर्मा के समर्थकों ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके अभियान को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो सह मजदूर नेता गहन टुड्डू को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में आक्रोशित लोगों का आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। घटना को लेकर पिछले 24 घंटे से रोड जाम के साथ साथ उरी मारी के 3 खदानों बिरसा न्यू बिरसा, उरी मारी के कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप है। इससे सीसीएल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आंदोलनकारी हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों द्वारा सड़क पर उतरकर जगह जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हत्या के बाद उरीमारी में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोमवार को सुबह गहन टुड्डू के शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया है। इधर जेजेएमपी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जेजेएमपी के मामले में शामिल होने से लेवी का एंगल भी सामने आ रहा है। बता दें कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य झाकोमियों के सीसीएल जोनल कोषाध्यक्ष एवं रैयत विस्थापित मोर्चा के नेता सह सीसीएल कर्मी गहन टुड्डू को अपराधियों ने उनके घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर पहाड़ी मंदिर चौराहा के पास दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उरीमारी आना जाना लगा हुआ है।
अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने में सहयोग के लिए आधी आबादी यानी कि महिलाओं का एक समूह भी सामने आया है। इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन के बैनर तले महिलाओं ने राज्य को कुपोषण मुक्त करने की ठानी है। इस अभियान की शुरुआत एसोसिएशन के छठे वार्षिक समारोह में हुई। संस्था की झारखंड चैप्टर की अध्यक्ष गजाला मातीन ने बताया कि राज्य सरकार पोषण माह का कार्यक्रम चला रही है। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुपोषण वर्ष की सलाह दी है। इस पर अमल करते हुए संस्था अब राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर कुपोषण के कारणों का अध्ययन कर उनके निदान का प्रयास करेगी और सरकार को भी जरूरी सुझाव उपलब्ध कराएगी। उनके इस अभियान से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षिकाएं और छात्राएं भी जुड़ी हैं, जो संस्था का सदस्य हैं। इसके तहत पहले 1000 दिन में एनीमिया, डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों पर काम किया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की। विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, पर उम्मीदवार पिछले कई महीनों से क्षेत्र में भ्रमण कर सक्रिय बने हुए हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसे लेकर आज से हम एक नया कॉलम शुरू कर रहे हैं, हम हैं रेस में। इसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से दावेदार उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। सभी दलों में दावेदार रेस हो गए हैं, जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हम सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। यह रिपोर्ट है हमारे संवाददाता अजय चौरसिया की। करीब 15 दिन पहले इटखोरी में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया था। उस सभा में भाजपा के संभावित उम्मीदवारों ने अपने नाम के बड़े बड़े फ्लैग्स और पोस्टर लगाए थे। उम्मीदवारों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई उम्मीदवारों ने बाइक रैली और बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटाई थी। सिमरिया से भाजपा के टिकट के लिए उम्मीदवारों की लंबी कतार लगी है। 2014 में झाविमो से चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हुए वर्तमान विधायक गणेश गंजू ने विकास तो किया पर क्षेत्र से दूर रहे। उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लिया, इसलिए लोग उनसे नाराज हैं। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे सुजीत भारती, पूर्व विधायक योगेंद्र नाथ बैठा, उज्जवल दास, किशुन दास आदि मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री ईश्वरी राम पासवान की पुत्री सीमा पासवान उर्फ जूही अनामिका भी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई हैं और टिकट की दावेदार बताई जाती हैं। इसके अलावा राजद के मनोज चंद्रा, भाकपा के विनोद बिहारी मेहता, झाविमो के रामदेव सिंह भोक्ता, बाल गोविंद राम, छट्टू सिंह भोक्ता और जीतन राम भी दावेदारों की सूची में शामिल हैं। अब देखना यह है कि टिकट किसे मिलता है। आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।